जाते हैं चिकन हंडी बनाने के लिए। चिकन मसाला हंडी बनाने के लिए हम लोग को लगेंगे 4 प्याज, मैंने इधर चॉप करके रखा है। ये है करी पत्ता, ये है धनिया कटी हुई, ये है मिर्ची 4 मिर्ची, और ये है लहसुन, और लगेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये है गरम मसाला, ये है तंदूरी चिकन मसाला, ये है धनिया पाउडर, ये है मिर्ची पाउडर, ये है हल्दी पाउडर, और ये है हमारा आधा किलो चिकन। तो अभी जो है हमारा तेल गरम हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग डालेंगे लहसुन को। लहसुन और मिर्ची हम लोग साथ में डालेंगे और करी पत्ता। तो हम लोग का लहसुन जो था वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अभी मैं कांदा को भून के और फ्राई करेगी अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को अच्छे से तलने चाहिए क्योंकि जो भी उसका कच्चापन रहता है वो पूरा जाना चाहिए, और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कांदा जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज में आके हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे और दो मिनट तक हम लोग अच्छे से इसको भूनेंगे। अभी जो हमारा सूखा मसाला है अभी हम लोग वो डालेंगे, जो है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चिकन टिक्का मसाला। फिर हम लोग उसको अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं मसाला का कलर अच्छे से हो चुका है, और इस पॉइंट पे आके हम लोग थोड़ा सा दही डालेंगे। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अभी हम लोग दही डालेंगे और मसाला को अच्छे से हम लोग भूनेंगे। अभी आप देख सकते हैं मसाला जो है पक रहा है और तेल छूटने लगा है, मतलब मसाला थोड़ा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो इस पॉइंट में आके हम लोग अभी नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको अच्छे से हम लोग डालेंगे, देख सकते हैं सालन का। आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो पक चुका है क्योंकि जो तेल है वो ऊपर आ गया है, तो मसाला रेडी है। तो अभी हम लोग जाके चिकन को डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चिकन को डाल दिया है और मैंने चिकन को 2-3 मिनट के लिए भूना था तेल में पहले, और अभी हम लोग पैन में डालेंगे धनिया के पत्ते और इसको अच्छे से अभी मिलाएंगे।
इसमें अभी हम लोग बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो चिकन है उसका ही पानी छूटेगा, तो उसमें ही हम लोग इसको पकाएंगे अच्छे से। और ये पूरा सूखा रहता है, तो मुझे ठंडी जो है मुझे सूखा पसंद नहीं आता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल इसमें अभी पानी नहीं डालूंगी। अभी हम लोग इसको ढक के रखेंगे एक 10 मिनट के लिए जब तक चिकन पकता है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन हंडी जो है वो अच्छे से पक चुका है। और जैसे मैंने बोला आपको पहले कि आप बिल्कुल पानी मत डालो क्योंकि हम लोग का चिकन जो है उसका पानी हमेशा चूटता है, तो उसमें हम लोग को एक्चुअली पकाना चाहिए क्योंकि पानी डालने तो ज़्यादा पानी हंडी अच्छा नहीं टेस्ट करेगा। तो मैं हमेशा ऐसे सूखा बनाती हूँ, तो ये बहुत टेस्टी होता है, तो आप रोटी या नान के साथ खा सकते हैं।